तो दोस्तों, हर साल की तरह इस साल का आईपीएल भी जो है मज़ा तो आ रहा है, बट कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटमेंट में कुछ मैचेस जो है बेकार हो जा रहे हैं। कोलकाता की ओर देखिए, जो पूरी जिम्मेदारी जो है नारायण और सॉल्ट दोनों ऐसी ओपनिंग कर रहे कि बाकी जो बैट्समैन है ना, उनका जो वैल्यू है कम हो गया उनके सामने। मतलब ऐसा लग रहा है कोलकाता फर्स्ट बैटिंग, मतलब नारायण सॉल्ट दोनों तो 6-7 ओवर में 70-80 रन ठोकी देंगे। उसी के चलते पीछे के जो बैट्समैन है उनका कोई वैल्यू नहीं रह गया। और हैदराबाद वो भी पहले बैटिंग में धुआंधार रन मार रही है, लेकिन चेसिंग में उनकी फटी पड़ी है, नहीं कर पा रहे हैं। चेस भी होना चाहिए बट नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे सीएसके की टीम, जब सीएसके जीत जाती तो सब बोलते हैं माही मैजिक, धोनी की वजह से जीती। अगर हार गए तो सब ऋतुराज गायकवाड़ को बोलते हैं बैड कैप्टनसी। ये गलत है जो हमारे कुछ कमेंटेटर बोलते हैं। गुजरात की टीम, पांड्या जैसे ही गया टीम थोड़ा बवंडर हो गया। जो हमारे यंग कैप्टन है शुभमन गिल, उनसे टीम संभाला नहीं जा रहा है। उधर मुंबई की टीम हार्दिक पांड्या के आने से परेशान है। जब से पांड्या आए मुंबई अभी सबसे नीचे चली गई, 7 मैच हार के नीचे है। बोले तो पांड्या के आने से बाकी जो खिलाड़ी थे सब असहमति दिए थे, और किसी का फॉर्म मुंबई में सही नहीं। अगर कोई अच्छा खेल रहा है वो रोहित शर्मा है, जिनको कप्तानी से हटा दिया था इसी साल। पंजाब की टीम, वो हर साल की तरह इस साल भी वही कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है, हार जीत जीत हार करके अपने जगह वो 6वें नंबर स्पॉट कर लेगी ऐसा लग रहा है। बीच में कुछ मैचेस उन्होंने अच्छे चेस किए, 262 चेस किए, बहुत अच्छा हुआ। उनके निचले क्रम के बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं, खास करके छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह। राजस्थान की टीम, छोटे खिलाड़ियों के नाम है बट टीम जो टॉप में है, मतलब उसकी बॉलिंग भी अच्छा कर रहा है, बैटिंग भी अच्छा कर रहा है। आशा करते हैं कि ये लोग आगे भी और अच्छा करते रहेंगे। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट, सेम टीम बट वही 3-4 खिलाड़ी के दमदार पे जो है टीम खेल रही है। वो लोग चले तो मैच जीत गए, नहीं तो मैच एक तरफा हार जाते हैं। और हमारी जो टीम है बैंगलोर, ये हर बार की तरह इस बार भी एक्साइटमेंट लाने वाली टीम है। कभी कभी जीतने वाले मैच भी हम हार जाते हैं, और कभी कभी हारा हुआ मैच भी हम जीत जाते हैं। बट इस बार थोड़ा ज़्यादा हार गए, 1 ज़्यादा हो गया, 6 मैच हार गए, बट उसके बाद बैक टू बैक 3 जीत गए हम, वो भी एक तरफा जीते जैसे हुआ है। और आगे का मैच भी पूरा जो है बेंगलोर जीतेगा, और हो सके तो प्लेऑफ में चौथे स्थान पर आ सकता है, क्योंकि किस्मत कभी कभी साथ दे देती है। एक खास बात है इस आईपीएल में, नंबर 10 की टीम का जो बॉलर है, बेस्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह, पर्पल कैप है। और अभी नंबर 7 की टीम जो है आरसीबी, वहाँ का बैट्समैन विराट कोहली ऑरेंज कैप होल्डर है। बाकी ऊपर वाले टीम में किसी के पास ऑरेंज या पर्पल कैप नहीं है। मतलब ये साफ जाहिर है कि सुपर जितने टीम है ये लोग सभी खिलाड़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मैच जीत रहे हैं, बट निचले क्रम के कुछ ही खिलाड़ियों की वजह से मैच जीत पा रहे हैं। दिल्ली में भी 3-4 चले तो ठीक है, नहीं तो हार जा रहे हैं। बॉलिंग लाइनअप ठीक है, बैट्समैन सब नहीं चल पा रहे। परफेक्ट टीम बोले तो कोलकाता एज ए टीम अच्छा कर रहा है, और राजस्थान, उसके बाद आता हैदराबाद जो भी कुछ हद तक जो ओपनिंग पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अभी कुछ मैचेस में मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा अच्छा कर रहा है, बाकी बॉलिंग लाइनअप उनकी ठीक है।